दोस्तों आज आपको हम दिखलाने जा रहे हैं पोखरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा ही प्यारा सा बिल्कुल पहाड़ी हिमालय के गोद में बसा हुआ गांव है जिसका नाम है धामपुस। तो आइए आज आप लोगों को हम दिखलाते हैं नेपाल का एक बेहद खूबसूरत गांव धामपुस गांव। तो आइए हम लोग देखते हैं धामपुस को। भाई लोग, ये है धामपुस गांव और हम धामपुस गांव के सबसे ऊंचाई वाले जगह पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सामने जस्ट हिमालय पहाड़ दिख रहा है, एकदम बर्फ से ढका हुआ। तो है ना खूबसूरत चीज़। वैसे तो मुस्तांग मुक्तिनाथ में तो दिखता ही है बर्फ, लेकिन यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल पोखरा के पास ये धामपुस गाँव है और वहाँ से दिख रहा है तो मतलब हिमालय बर्फ से ढका हुआ। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। वो देख सकते हैं यहाँ का गांव का घर कैसा है, मतलब आम जो लोग हैं उनका जनजीवन ऐसा ही है, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है ये। और वैसे चूंकि ये टूरिस्ट पैलेस है तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल भी हैं, लेकिन मतलब यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ के मूल निवासी है जो रहते हैं, वो देखिए आप वहाँ से निकल रहे हैं एक अंकल जी, तो ऐसे ही ये लोग रहते हैं, इनका रहन सहन यही है। और देख सकते हैं वो मवेशी के खाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है पुआल, जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। तो वो और ये नीचे देख सकते हैं खेत है और वहाँ देख सकते हैं वो गाय बंधी हुई है नीचे। तो थोड़ा सा हम अंदर जाके आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि कैसा है यहाँ का घर। ये देखिए, तो ये है भाई यहाँ गाय, गाय नहीं भाई भैंस है। और ऐसे लोग यहाँ गाय को खाने के लिए और अपना जलावन ऐसे पत्थर के घर में लोग रखते हैं। और इधर नल वल है और इधर एक सब्जी की खेती है, वो लहसुन है नीचे और ये खेत। और बगल वाला घर भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है भाई धामपुस गांव। और देखिए वो अंकल जी ना, अरे बाप रे, यहाँ का भैंस देखिए भाई, कितना बड़ा सिंह है इसका, कितना बड़ा सिंह है। तो देखिए कितना बड़ा सिंह है भाई, ऐसा भैंस हम नहीं देखे थे आज से पहले। और यहाँ देख सकते हैं सरसों की खेती है, यहाँ पर सरसों का पत्ता कितना बड़ा बड़ा होता है भाई। तो ऐसे रहते हैं पहाड़ों में लोग। कैसे हैं अंकल जी, क्या लाए हैं खाने के लिए, भैंस के खाने के लिए? ओ भैंस को देते हैं। ओ उसमें क्या रखे हुए हैं पीछे? ये भांगड़ा है। भांगड़ा? भांगड़ा ओ क्या है, देखे जरा से क्या होता है भांगड़ा? गुरुम देश है। ओ ये जहाँ हंसी आने का। हाँ। ओ उसमें हसिया है ना? ओ उसमें हसिया रखे हुए हैं पीछे में, जरूरत पड़ने पे काट काट सकते हैं उससे। और जस्ट यहाँ से ऊपर एक घर है, वो भी आपको हम दिखलाते हैं। और अंकल महाराष्ट्र से हैं, आप दोनों को नमस्ते, मुंबई से। तो ये देखिए भाई, यह रास्ता बंद किया हुआ है, नहीं तो हम ऊपर चले जाते। लेकिन चलिए कुछ और गांव दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ और घर, यहाँ का रहन सहन। होटल क्या दिखाना है, रेस्टोरेंट की दिखाना है, वो तो सब जगह, मतलब यहाँ के मूल निवासी हैं उनका रहन सहन क्या है वो हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या बना रही है, क्या बना रही है दीदी आप? शॉल बना रही है ना? ओ ये शॉल एक भाई को चाहिए, आप कितने में देंगे यहाँ पे? अच्छा, देख देख के ये शॉल है। हाँ, तो ये शॉल बना रही है दीदी। और ये देख सकते हैं खुद से, हाथ से ये लोग बनाती है उलेन शॉल, और काफी गर्म गर्म होता है यहाँ का शॉल। ये टोपी जो आप देख रहे हैं, हिमाचली टोपी लोग उसको बोलते हैं, लेकिन ये कश्मीरी उल है। ये उल पश्मीना। ओ कौन सा ये उल? ये देख सकते हैं ये खुद से हाथ से बनाती हैं, और ये बिल्कुल मिट्टी का घर है और चारों तरफ मिट्टी का इसमें ये किया हुआ है, कहीं पे कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, बिल्कुल मिट्टी का है भाई ये। तो है ना अच्छा।
तो ये देखिए कैसे यहाँ हस्तनिर्मित स्टॉल बनता है। और बहुत अच्छी बात है, आप लोग जब यहाँ आइएगा तो इनसे ज़रूर लीजिएगा। और क्या नाम है आपका? हेमा। हेमा पूरा नाम? हेमा थापा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हेमा थापा जी हैं। और ये जो है ना, ये धामपुस गांव में है। आइए, अपने हाथ से सॉल बनाती है पुलिन, बहुत अच्छा अच्छा देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन बन रहा है। और ये क्या कारीगरी है भाई, अब देखिए कितना सुंदर। हम लोग अगर अभी देख रहे हैं तो लगता है कि लोग ना बाहर से लाते हैं, लेकिन अब देखिए जब देख लिए तो लगता है कि ये हाथ से कितना सुंदर बना रही है। तो ये धामपुस गांव में हेमा थापा जी हैं, ये अपने हाथ से बनाती हैं उलेन गर्म सॉल। तो आप लोग जब चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से, दुकान है। और ये जो आंटी हैं, ये देखिए ये लोग अपने पीठ पे सामान रखी हुई हैं और इस दुकान से कुछ लेने आई हैं। तो ये बिस्किट ले रही हैं ये लोग। तो ये धामपुस गांव का एक दुकान है जहाँ से ये लोग ले रहे हैं ये बिस्किट। और आंटी ने शर्मा गई, बोले कि ए भाई ये क्या हो रहा है। और ये देखिए ये आंटी और अंकल जी इधर बैठे हुए हैं ये लोग। तो बिहार मुजफ्फरपुर जी जी जी। तो कितना अच्छा है ना धामपुस गांव। तो भाई लोग हम आपको दिखलाते हैं धामपुस गांव का कुछ और रहन सहन। और ये तो ये देखिए आंटी, ये सरसों का साग लेके जा रही है ना। तो ये सरसों का साग है। और ये देखिए ये इनको ठंडा लग रहा है, तो ये भी सॉल लेके और के अपना ये करें। यहाँ देखिए इस घर पे लिखा हुआ है नो एंट्री। हिंदी बोलना जानू ना, हिंदी बोलना जानू ना। हाँ तो नहीं बोली ना, तो ये तो हिंदी है ना। नहीं और देख सकते हैं ये घर, ये भी पत्थर के घर है वही। और ये धामपुर गांव का ही घर है। हाँ बिहार मुजफ्फरपुर। हाँ और देखिए तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से एक पूछ रही है। चार बच्चे ये तो खेल रही है ना। नहीं। तो ये पूछ रही है कि भाई कहाँ से घूम रहे हो आप, कुछ बोलना है? नहीं। तो बोलना ये है कि तुम लोग मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो। हाँ। और बहुत बड़ी ऑफिसर बनो पढ़ के। हाँ। है ना। हाँ। तो मन लगा के पढ़ना है ना। हाँ, हाँ तो बिल्कुल। ये कौन सा गाँव है? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ अग्रता भंडारी। अग्रता भंडारी। और तुम्हारा? रोजीना भंडारी। रोजीना। तुम्हारा? शलना। तुम्हारा? रोशनी भंडारी। ओह वाओ बहुत अच्छा, सब लोग मन लगा के पढ़िए। हाँ। और हमने इंडिया बिहार मुजफ्फरपुर से है। इंडिया का आया है? हाँ इंडिया का है। हाँ इंडिया से आया। ब्लॉगिंग। किसका नाम क्या है? तो ये देखिए इधर खाना, इधर भी शायद बनता है। ये लकड़ी का ये है क्या है? ओ तो देख सकते हैं। हमारा नाम सुजीत कुमार है। हाँ। सुजीत कुमार। और हमारा चैनल का नाम है सुजीत टूर ब्लॉग। हम भैया को ना दे देते हैं अपना चैनल वाला स्टिकर, तो तुम लोग ना उसको सब्सक्राइब करके अपना वीडियो देखना। हाँ। हाँ। और देखिए इधर ये किचन है और इसमें बना रही हैं खाना बाबू की मम्मी लोग। नमस्ते, हम ना इंडिया मुजफ्फरपुर से हैं। तो क्या खाना बना रही हैं आप? कौन सा खाना बन रहा है? ये तो लग रहा है बंदा गोभी। बंदा आलू। बंदा आलू का सब्जी। हाँ। और ये है आपका किचन। आपका क्या नाम है? गंगा। गंगा भंडारी। अरे वाह कितना अच्छा नाम है गंगा।
तो देखिए भाई कितना अच्छा यहाँ का कल्चर है, कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ का रहन सहन कितना बढ़िया है। समय से आ गए तो रोशनी था तो बन गया गांव का कुछ वीडियो। हालांकि बहुत बड़ा गांव है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है बाबू इधर आइए। तो लेकिन अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, तो हम दिखाते हैं आगे कुछ। इधर ये है धामपुस की प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और ये लोग पढ़ के बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली हैं। और अभी जस्ट हम आए हैं तो गांव में देखे इन तीनों को, चारों को यहाँ बैठ के पढ़ते हुए। तो हम तो आ रहे हैं मुस्तंग से भैया, तो हमारे पास तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो हम जो अपने मुजफ्फरपुर से कुछ बिस्किट्स लेके आए थे, उसमें से एक बिस्किट बचा हुआ है तो हम ये दे रहे हैं इसको, सबसे बड़ी ये है, और इस सब बांट के दो दो पीस खाएगी, ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद हम तुमको देते हैं अपना स्पीकर, मम्मी के मोबाइल में सब्सक्राइब करके और वीडियो देखना है। तो तुम तीनों अपने ही बहन हो? नहीं। ओ, ये है बेटा स्टिकर, ये हमारा ना। तो भैया ये है इस गांव में आने का रास्ता, और देख सकते हैं इक्का दुक्का मोटरसाइकिल इस गांव में भी आता है। और कितना अच्छा है ना, मुजफ्फरपुर बिहार से। बिहार से? हाँ बिहार से। इधर जाने का आज? नहीं नहीं, आज तो पोखरा जाने का है, तो वक्त थोड़ा सा अंधेरा नहीं हुआ था तो सोचे गांव घूम ले। तो भैया ये है धामपुस गांव, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक कैफे रेस्टोरेंट टाइप का है। तो भैया लोग यहाँ आए हुए थे, ये देख सकते हैं लकड़ी का चूल्हा है यहाँ पे, और इस पे भी खाना बनता है भैया चूल्हा पे। और ये देखिए भाई फुटबॉल ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो खेल कूद और एजुकेशन के मामले में हम जो अभी तक अनुभव किए हैं काफ़ी आगे है भाई अब नेपाल, और काफ़ी एक्टिव है यहाँ के लोग भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है सो देखिए, बच्चे बोल रहे हैं कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कितना अच्छा है ना। ओइश, अभी तो गिरते गिरते बच्चे। बिहार मुजफ्फरपुर से? कौन कौन से? इंडिया से। इंडिया से। आपका ब्लॉग का नाम क्या है? सुजीत टूर ब्लॉग। सुजीत टूर ब्लॉग। तुम देखते हो यूट्यूब? हाँ। यूट्यूब ब्लॉग का बहुत बड़ा फैन है। अरे वाह, ठीक है इसको भी देखना है। आपके पास डॉग है या नहीं? डॉग नहीं, मेरे पास डॉग तो अभी नहीं है। आईसी वाली डॉग ब्लॉग्स। और डॉग ब्लॉग्स देखते हो तुम? ओहो, ये केवल डॉग ब्लॉग देखता है। तो बच्चा भाई ये डॉग का बहुत बड़ा फैन है, और गांव के ये भैया लोग हैं। और जानते हैं भाई यहाँ पे गाड़ी आता नहीं, इसलिए देखिए यहाँ के भैंस देख के ना भाग गया हमको। बिहार मुजफ्फरपुर। ये देखिए भाई यहाँ का भैंस ना देख के भाग रहा है, और ये देखिए लोग देखिए जंगल से लकड़ी लेके आ रहे हैं। और ये देखिए ये लगता है हमको मारेगा, और चलते हैं हम नीचे, थोड़ा सा दिखलाते हैं आप लोग।
ये देखिए भाई यहाँ का घर, ये धामपुस का घर है भाई। ये देखिए ये आंटी घर में खाना बना रही है, तो कितना अच्छा है। देखिए ये भाई घर, अंधेरा है अभी लेकिन देखिए भाई ये घर है। तो इधर भी दिखलाते हैं भाई, ये भी ये घर कितना प्यारा घर है भाई। ये धामपुस के घर और ये छोटे छोटे घर और उसके अंदर छोटा छोटा गेट। और ये देखिए लोग यहाँ से लकड़ी लाते हैं इसी टोकरी में। और ये देखिए ये ना बर्तन धो रही है। और ये क्या कर रही है, तुम क्या कर रही हो? ये देख रही है, ये देख रही है। तो देखे भाई आप लोग धामपुस गांव का ये घर कितना सुंदर कैंपस है, छोटे छोटे पत्थरों से घेरा गया है। और ये जो रास्ता है कितना बढ़िया है, पत्थर के टुकड़े से ये रास्ता बना हुआ है। तो चलते हैं ऊपर और देखिए यहाँ इस पे भी ना भैंस है इस घर में। और ये देखिए यहाँ के कुत्ते। हाँ देखिए ये भैंस पता नहीं क्यों हमको देख के भाग रही है। और आ गए हैं अपने बाइक के पास। किराज क्या करना है वो बताओ कि वो चैनल के। देखिए ये लोग दुकान से जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल शाम हो गया भाई लोग, धामपुस गांव करते करते हमको। दोस्तों तो ये था नेपाल का बेहद खूबसूरत माउंटेन विलेज पहाड़ी गांव धामपुस। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, धामपुस गांव अगर अच्छा लगा हो और इस तरह का आप लोग और भी गांव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप नेपाल का प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट एपिसोड से देखें तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। और अगर जो कुछ कमी हो इसमें जो हम नहीं कर सके हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमारा मार्गदर्शन होगा, एक आइडिया मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम कुछ और बेहतर कर सकें। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, कुछ नया दिखलाएंगे नेपाल में। अभी बहुत सारे एपिसोड भाई लोग बचा हुआ है नेपाल में, अभी तो आप लोगों को लेके चलेंगे हम मुक्तिनाथ, मुस्तांग, बहुत सारा जगह जहां हम लोग चलेंगे। तो अब हम ना धामपुस गांव से नीचे उतर रहे हैं और अभी